टॉपिक है हमारा वो है डे टाइम फंक्शन। बहुत नॉर्मली हम लोग अपने वेब पेज पे जब डेट या टाइम को प्रिंट करा रहे होते हैं तो हमारे पास ज़रूरत होती है एक डेट टाइम फंक्शन की। तो PHP प्रोवाइड करता है आपको एक अदद फंक्शन जो कि किसके लिए है, डेट टाइम के लिए। ठीक है, तो ज़रा इसको देख लेते हैं। बिल्ट इन फंक्शन है ये भी। फंक्शन बहुत आसान सा है, जस्ट डेट, और इस डेट के थ्रू आप क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं। आप प्रिंट कर सकते हैं अपनी डेट, करंट डेट जो आज की डेट है, टुडे डेट, इसके अलावा मंथ, इसके अलावा ईयर, इसके अलावा डे, इसके अलावा आवर, टाइम, सेकेंड्स, AM, PM, सब आप क्या निकाल सकते हैं, इसके अंदर मौजूद है और इस डेट के फंक्शन में से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, शुरू करें। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ है इसके अंदर में, अगर इको इको इसके साथ इस तरह से मैं लगा दूं कि इको डेट, तो अब देखिएगा ज़रा इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। क्या कह रहा है, एटलीस्ट मुझे क्या चाहिए, वन पैरामीटर, एक्सपेक्ट्स एटलीस्ट वन पैरामीटर, जीरो गिवन। ठीक है, हमने कोई फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं दिया, लेकिन इसको क्या चाहिए, एक पैरामीटर चाहिए। इन एरर्स को भी समझना सीखे। ठीक है, तो मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ स्ट्रिंग फॉर्म में, डी, स्मॉल डी। ठीक है, तो इसने मुझे क्या बताया, 10 क्या है, आज की डेट 10 है, 9 है, मेरे सिस्टम में 10 होगी फिर। ठीक है, मेरे सिस्टम में 10 होगी, तो इस वजह से मेरे सिस्टम की डेट उठा रहा है। ठीक है, तो जो मेरा सर्वर है इस वक्त, मेरा सिस्टम है, तो वो उसकी डेट उठा रहा है। तो ठीक है, क्लियर है यहाँ पे बात। अच्छा, उसके अलावा मैं अगर, तो डी किस लिए यूज़ हुआ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर PHP का जी हाँ, डी फॉर किस लिए, करंट डेट। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़, डी के बाद इस कैपिटल डी, कैपिटल डी किस लिए, ज़रा इसको स्टेप बाय स्टेप सबको देखते हैं, फिर हम डेट अरेंज करेंगे। ठीक है, अब कैपिटल डी कर दिया मैंने स्मॉल डी की जगह, अब क्या पता चल रहा है, डे। ठीक है, कैपिटल डी किस लिए होता है, फॉर डे। एग्जाम्पल में THU या SUN कितने डिजिट दिखाता है, ये 3 डिजिट। तीन डिजिट दिखाएगा, फुल डेट नहीं दिखाएगा ये। ठीक है, अच्छा मेरे पास एक और होता है इसी तरीके से L, L क्या करेगा, नॉर्मली गाड़ियों के पीछे भी लिखा हुआ होता है ना। अच्छा जी, L ने क्या किया, फुल डे। फॉर फुल डे, फॉर एग्जाम्पल कैसे, थर्सडे। समझ आया, करंट डेट इस तरह से आएगी, फॉर एग्जाम्पल 10। अच्छा ये हो गया, इसके बाद एम, एम एम किस लिए, बहुत आसान है ये तो, फॉर मंथ। Use for month in numeric, month किस में शो होगा, numeric में, for example 03। ठीक है, उसके बाद capital M,
का मतलब क्या हुआ? मार्च, यानी कि मंथ इन अल्फा कैरेक्टर्स। लेकिन ये भी कितने डिजिट्स में शो होगा? 3 डिजिट्स में शो होगा। इसमें एक और होता है जे, समझ आया ये? इसके बाद एक होता है आपके पास वाई, स्मॉल वाई, यानी कि हाफ ईयर, और कैपिटल वाई फुल ईयर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? वाई यूज फॉर हाफ ईयर, फॉर एग्जाम्पल 16, और कैपिटल वाई यूज फॉर फुल ईयर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब आपके पास क्या रह गया? H, H means our, capital H, our, ठीक है, सोलह सही तो था, 16 किस हिसाब से बता रहा है? AM, मेरी क्लॉक जो है ना गलत चल रही है। एच फॉर किस लिए? यूज फॉर आवर, घंटा। ठीक है, आई फॉर यूज फॉर मिनट्स, और एस फॉर सेकेंड्स, ए यूज फॉर एम, नहीं एम और PM, ठीक है, इन स्मॉल लेटर। ए फॉर AM और PM इन कैपिटल लेटर। ठीक है, समझ आया? यूज करें इसको। मैंने लिखा, देखें, स्मॉल डी आज की डेट, ठीक है, डैश, फिर उसके बाद मैंने लिखा डेट के बाद मंथ एम डैश, फिर मैंने लिखा एयर, एयर के लिए कैपिटल वाई, ठीक है, डी एम वाई। क्या आया मेरे पास? 10 तारीख, 3रा महीना, 2016, ठीक है।
तरीके से इसके साथ मज़ीद मैं एक चीज़ और लगा सकता हूँ यहाँ पे, एच आई एस और ए, ये क्या बताएगा? टाइम बताएगा, ठीक है? ये क्या बता रहा है आपको? टाइम। और ये पी एम और ए एम बताएगा आपको कि इस वक्त पी एम है या ए एम है, ठीक है? मेरा टाइम जोन जो है ना सेट करना पड़ता है पी एच पी आई एन आई फाइल के अंदर, वहाँ पे टाइम जोन डिफरेंट हुआ हुआ है, तो मैं वो चेंज करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, वो भी मैं बताऊँगा अभी आपको, ठीक है, आज ही की क्लास में। तो जो हमारा ये है, ये कहाँ से आ रहा है मेरा? टाइम जोन से। टाइम जोन हम लोग सेट करेंगे पी एच पी डॉट आई एन आई फाइल के अंदर जाके, ये मैं आपको अभी बताऊँगा थोड़ी देर में, ठीक है? उसके बाद ये समझ में आया आप लोगों को कि हम डेट किस तरह शो करा सकते हैं, टाइम किस तरह जो है शो करा सकते हैं, और ए एम पी एम हम लोग किस तरह से शो कराएंगे यहाँ पे। किसी को कोई सवाल इसमें? ओके, अच्छा, इसी तरीके से मज़ीद यहाँ पे आप मुख्तलिफ तरह से भी इसको व्यू करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस तरह से इसको प्रिंट करवा सकते हैं कि सबसे पहले आपने लिखा इसके अंदर मार्च के लिए, आपने क्या लिखा यहाँ पे, एल नहीं सॉरी एम, मार्च, सही है, और आपने लिखा यहाँ पे डी, डीएम वाई, क्या देख तो लो इसको पहले, क्या लिखा हुआ आ रहा है? 10 मार्च 2016। इस तरह से मुख्तलिफ तरह के फॉर्मेट आप लोग बना सकते हैं, ठीक है? 10 मार्च 2016, क्लियर है? समझ आया? इस तरह से आप अपने फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ ईयर पहले दिखा दें या डेट पहले दिखा दें, इन सब चीज़ों को आप इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं। कोई सवाल किसी का यहाँ पे? इस क्लिप को इतना रखेंगे, फिर मज़ीद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ये आप लोग बना के दिखाएं मुझे पहले।